हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो आज अपन करने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ नॉलेज की क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4 दैट वी हैव डन प्रीवियसली। अब बस अपन इसमें वापस से अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करेंगे इस वाली इलस्ट्रेशन के थ्रू। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, लेट सपोज राम लिमिटेड ने 60% शेयर अक्वायर करे कृष्ण लिमिटेड के। तो अब राम लिमिटेड को कृष्ण लिमिटेड को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज इट हैज अक्वायर्ड कंट्रोल ओवर द कृष्ण लिमिटेड, ठीक है, एज ऑन 1st ऑफ अक्टूबर 2001। तो 1st अक्टूबर 2001 को राम लिमिटेड ने कृष्ण लिमिटेड के ऊपर कंट्रोल ले लिया। ऑन 31st ऑफ मार्च 2002 द समराइज्ड बैलेंस शीट, मतलब 8 अक्टूबर के बाद 6 महीने बाद, और मतलब 31 मार्च 2002 की हमें बैलेंस शीट दे रखी है। द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ द टू कंपनीज वर एज गिवन बिलो। तो ये बैलेंस शीट हमें उन्हीं की दे रखी है। अब हमें इससे क्या बनाना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेट ये हमें बनाना है। तो मैंने आपको क्या बोला, हम क्या बोलेंगे, कृष्ण लिमिटेड को बोलेंगे आज से जो तेरे एसेट है सारे मेरे हुए, आज से तेरे एसेट्स, तेरी लाइबिलिटीज सारी मेरी हुई और तेरी इक्विटी भी मेरी हुई। तो मैं क्या जर्नल एंट्री डालूंगा, मैं बोलूंगा जितने भी एसेट्स है आपके सारे मेरे हुए। तो मैंने बोला क्या जर्नल एंट्री बनेगी, जर्नल एंट्री बनेगी आपके सारे एसेट्स नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट, आपके सारे एसेट नेट ऑफ लाइबिलिटीज वो आज से आपके हमारे हुए। तो नेट एसेट्स टोटल कितने हैं, टोटल नेट एसेट जो है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी इन्वेंटरी ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, माइनस कर दो आप इसमें से ट्रेड पेएबल, ठीक है। तो हमने बोला आपके जितने भी नेट एसेट्स है आज से आपके सारे नेट एसेट्स हमारे हुए। तो हमने बोला नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, ये हमने अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्री डाली। मैंने बोला आपके सारे नेट एसेट्स हमारे हुए, आपकी इक्विटी भी हमारी हुई। तो हमने ये बोला 7,64,000 से आपके नेट एसेट्स हमारे हुए। लेकिन ये जो एंट्री डालनी होती है ये हमें एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन डालनी होती है, लेकिन हमें जो बैलेंस शीट दे रखी है दैट इज ऑफ 31st मार्च 2002, ठीक है, हमें 1 अक्टूबर 2001 को ये एंट्री डालनी है कि आपके जितने भी एसेट्स है वो सारे हमारे हुए, आपकी इक्विटी भी हमारी हुई। फिर हम इक्विटी को खत्म कर देंगे विद इन्वेस्टमेंट, फिर हम क्या करेंगे इक्विटी को खत्म कर देंगे, इक्विटी अकाउंट डेबिट हम इक्विटी को खत्म कर देंगे विद माई इन्वेस्टमेंट्स। एंड अब आप देखो इसमें क्या है, इसमें हमारा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी आ जाएगा पिक्चर में। देखो हम क्या करेंगे, इक्विटी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट कितनी 8 लाख रुपए की, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में NCI नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, हमने आपका सिर्फ 60% अक्वायर किया है, 40% किसी और का है। तो इन नेट एसेट्स में ये जो 7,64,000 के नेट एसेट्स है इनमें से 40% हिस्सा किसी और बंदे का है, किसी और बंदे का है, मेरा नहीं है, ठीक है। तो 7,64,000 का 40% हिस्सा मेरा नहीं है, तो मैं क्या एंट्री डालूंगा, इक्विटी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स टू NCI, ठीक है। लेकिन ये एंट्री तो हमें ये तो अभी हमने माना इस जैसे अभी हम एंट्री डाल रहे हैं इसका, इसमें क्या हुआ, इस एग्जांपल में हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो एक्विजिशन हुआ वो कब हुआ, 31st ऑफ मार्च 2002 को हुआ, ठीक है। तो ये हम तब एंट्री डाल रहे हैं। अब हम बोलेंगे इक्विटी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू NCI, NCI कितना है 40% किसका, इसका 40%। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7,64,000 का 40% किसी और पार्टी का है, किसी और पार्टी है, मतलब मेरा नहीं है। तो मैंने क्या किया, उसकी लाइबिलिटी बुक कर दी। तो इस हिसाब से मेरे पास क्या आ गया, गुडविल आ गई अब एंट्री में, ठीक है। तो अब इस जर्नल एंट्री को अगर मैं इक्वलाइज करूँ तो मेरी क्या एंट्री बन जाएगी, गुडविल अकाउंट, ठीक है, गुडविल अकाउंट। लेकिन देखो अब आपने क्या किया, दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो ये आपका 3,41,600 की आपकी क्या आ गई, गुडविल आ गई। तो एंट्री डली गुडविल अकाउंट डेबिट, इक्विटी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स टू NCI, ये हमारी जर्नल एंट्रीज का फ्लो है। तो सबसे पहले आप समझो हमें एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन नेट एसेट्स की फिगर निकालनी है, एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन हमें नेट एसेट्स की फिगर निकालनी है। फिर हमारी उस दिन क्या होगी एंट्री, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, और फिर हम इक्विटी को खत्म करके इक्विटी टू इन्वेस्टमेंट्स टू NCI, ये हमारी जर्नल एंट्री डल जाएगी और हमारा क्या बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, ठीक है। अब अपन को बेसिकली करना क्या है, अपन को जो ये 7,64,000 का जो नेट, ये हमारा क्या बोलते हैं 7,64,000 का जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस है, हमें इसका एनालिसिस करना है। हम इसे बोलेंगे एनालिसिस ऑफ माई रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो एनालिसिस मैं कैसे करूँगा, मैंने बोला कि मेरा जो ओपनिंग था, ओपनिंग इक्विटी, ओपनिंग टोटल इक्विटी, ठीक है, ओपनिंग
टोटल इक्विटी है ना, तो ये हमारी क्या थी, हमारी टोटल इक्विटी थी, हमारा शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो हमारा शेयर कैपिटल और अदर रिजर्व सेम रहे हैं, मतलब शेयर कैपिटल और अदर रिजर्व में कोई भी चेंज नहीं था, तो ये हमारे सेम थे प्लस, मतलब ये तो था ही, साथ में हमें क्वेश्चन में नीचे दे रखा है द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ कृष्ण लिमिटेड, जिसे हमें कंसोलिडेट करना है, उसका क्रेडिट बैलेंस था 60,000 रुपये ऑन 1 अप्रैल, मतलब ओपनिंग में इसका जो क्रेडिट बैलेंस था दैट वॉज 60,000, तो मतलब रिटेन अर्निंग्स का जो बैलेंस था दैट वॉज 60,000, दैट वॉज 60,000, मतलब अगर आप समझो तो शेयर कैपिटल सेम रहा, शेयर कैपिटल ओपनिंग में भी इतना ही था, क्लोजिंग में भी इतना ही है, अदर रिजर्व ओपनिंग में भी इतना ही था, क्लोजिंग में भी इतना ही है, लेकिन रिटेन अर्निंग्स में क्या था, ओपनिंग में 60,000 था, अब 1,64,000 है, तो इसका मतलब हमने इसमें कुछ प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। अब आप आगे पढ़ो, ठीक है ना, द रिटेन अर्निंग शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹60,000 ऑफ विच अ डिविडेंड ऑफ 10% वॉज पेड इन नवंबर। अब हमारी एक्विजिशन डेट क्या है, 1 अक्टूबर, हमारी एक्विजिशन डेट क्या है, 1 अक्टूबर, तो ये जो ओपनिंग इक्विटी है दैट इज ऑफ 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2001। अब हमें नेट एसेट्स, नेट एसेट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू टोटल इक्विटी, ठीक है, नेट एसेट्स इज ऑलवेज इक्विवेलेंट, यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, नेट एसेट्स, ठीक है, नेट एसेट्स इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू माई टोटल इक्विटी, ये हमें पता है, टोटल इक्विटी, ठीक है, तो ओपनिंग टोटल इक्विटी हमें पता है, इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, इसकी जर्नल एंट्री बस वही होगी, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, ठीक है, ये हमारी जर्नल एंट्री होगी ओपनिंग, ये ऑलरेडी डली हुई है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्योंकि ये वाले बैलेंसेस तो ऑलरेडी डले हुए हैं इन माय फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो 6,60,000 की ये मेरी एंट्री होगी, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट, दिस इज ऑलरेडी पोस्टेड, दिस इज ऑलरेडी पोस्टेड इन माय फिनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि तभी तो मेरा क्लोजिंग इक्विटी कितना आ रहा है, क्लोजिंग इक्विटी मेरा कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है 7,64,000 रुपये, मेरा आ रहा है 7,64,000 मेरा क्लोजिंग इक्विटी आ रहा है, ठीक है, तो ओपनिंग इक्विटी का डन है अपन, ठीक है, ओपनिंग इक्विटी इतना था, फिर अपन ने बोला प्रॉफिट कमाया, हमने प्रॉफिट कमाया फॉर द हाफ ईयर, हमें एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब 1 अक्टूबर 2001 को हमें नेट एसेट्स निकालना है, तो मैंने क्या किया, प्रॉफिट ऐड कर दिया, प्रॉफिट फॉर द हाफ ईयर, फॉर द हाफ ईयर दैट इज 1 अप्रैल, 1 अप्रैल टू 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 माई 1 अक्टूबर, तो ये मेरा प्रॉफिट आ जाएगा अप टू फॉर 6 मंथ, ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट फॉर दी हाफ ईयर, ठीक है, ये इसको अभी हमें वर्कआउट करना है। फिर हमने क्या किया, इसमें से हमने डिविडेंड दे दिया, डिविडेंड हमने कितना दिया, डिविडेंड हमने बेसिकली दिया 10%, कितना परसेंटेज डिविडेंड दिया हमने, हमने दिया है 10% किसका, शेयर कैपिटल का, तो शेयर कैपिटल 4 लाख थी, इसका 10% हमने डिविडेंड दे दिया, तो हमने 40,000 रुपये डिविडेंड दिया है, तो हमने अगर मैं बोलूँ -40,000, हमने इक्विटी में से 40,000 रुपया डिविडेंड दे दिया, तो इसकी एंट्री क्या डाली होगी हमने SFS में, हमने डाली होगी इक्विटी अकाउंट डेबिट, इक्विटी अकाउंट डेबिट है ना, ये मेरा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एंट्री है, इक्विटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये मेरी 40,000 से एंट्री डली होगी, 40,000 से मेरी एंट्री आई होगी, इक्विटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये मेरी एंट्रीज ऑलरेडी डली हुई है इन माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर मैंने क्या किया, फिर और प्रॉफिट कमाया, मैंने और प्रॉफिट कमाया फॉर दी हाफ ईयर है ना, 8 अक्टूबर से 31 मार्च तक का, 8 अक्टूबर से है ना 31st ऑफ मार्च, 31st ऑफ मार्च मैंने और प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अब जाके मेरी जो क्लोजिंग इक्विटी है, क्लोजिंग इक्विटी मेरी कितनी बची, मेरी क्लोजिंग इक्विटी जो बची, अब जाके मेरी जो क्लोजिंग इक्विटी बची दैट इज इक्विवेलेंट टू 4,02,00,+2,01,64,000, तो ये 7,64,000 बचा। तो अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ, मैंने 6,60,000 मेरी ओपनिंग इक्विटी थी, जिसमें से मैंने 40,000 बांट दिया, तो मतलब मेरा कितना इक्विटी बचा, सिर्फ 6,20,000 मेरी इक्विटी बची, ठीक है, 6,20,000 मेरी इक्विटी बची, 6,60,000 की मेरे पास ओपनिंग इक्विटी थी, जिसमें से मैंने 40,000 बांट दिया, तो मेरे पास 6,20,000 की इक्विटी बची, लेकिन ये क्लोजिंग में 7,64,000 बन गया, 7,64,000 बन गया, तो इसका मतलब 7,64,000 में से अगर मैं माइनस कर दूँ, माइनस क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ मैं सम ऑफ ओपनिंग इक्विटी, मतलब ये वाली एडजस्टमेंट्स को, तो ये बेसिकली मेरा प्रॉफिट है, तो मैंने 1,44,000 टोटल प्रॉफिट कमाया है, तो इस 1,44,000 को मुझे हाफ ऑफ ईयर्स में बाइफरकेट करना पड़ेगा, तो 1,44,000 डिवाइड बाई 2, ये मैंने कमाया फर्स्ट हाफ ईयर में, तो मैंने 72,000 जो है, 72,000 मैंने फर्स्ट हाफ ईयर में कमाए और 72,000 मैंने नेक्स्ट हाफ ईयर में कमाए, ऐसा फंडा है। तो अब अगर आप देखो तो आपकी ये स्टेटमेंट टैली हो जाएगी, अब आपका टोटल 7,64,000 आ रहा है। तो देखो, अब आपने जो प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट की एंट्री क्या डलती है, सेम डलती है, नेट एसेट्स टू इक्विटी, ठीक है,
ठीक है, ये आपकी एंट्री डल चु ये ऑलरेडी डली हुई है, ठीक है। तो नेट एसेट्स टू इक्विटी, अब ये आपका कंसोलिडेशन डेट है, ये वाला जो है ना, यहाँ पे जो आपका नेट एसेट्स का बैलेंस है, यहाँ पे अगर आपका नेट एसेट्स का बैलेंस का मैं बैलेंस देखूँ तो वो है 7,32,000। तो ये बेसिकली आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन की एडजस्टमेंट होनी है यहाँ पे, यहाँ पे हमारी क्या बोलते हैं कंसोलिडेशन की हमारी एडजस्टमेंट होनी है। लेकिन अभी आप देखो, इसमें हमने क्या समझा था, सारे एसेट्स की हमें फेयर वैल्यू लेनी होती है रादर देन बुक वैल्यू। तो अब अपन सारों की फेयर वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अब हमें देखो ये दे दिया, आउट ऑफ विच अ डिविडेंड ऑफ 10% वाज पेड, राम लिमिटेड हैज क्रेडिटेड द डिविडेंड रिसीव्ड टू इट्स रिटेन अर्निंग्स। इस एडजस्टमेंट को अभी आप भूल जाओ, मैं आपको जब आऊंगा वापस से डिविडेंड के ऊपर तब हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप समझो, फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वॉज ₹4 लाख एज ऑन 1st अक्टूबर। तो 1st अक्टूबर को पहले हमें बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब बुक वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमें दे रखा है द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी वॉज 10%। तो ये जो है प्लांट एंड मशीनरी का जो अभी जो बैलेंस आ रहा है, दैट इज आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ 10%। तो अगर मैं बोलूँ करंट बैलेंस क्या आ रहा है, हमें क्या करना है, बुक वैल्यू निकालनी है एज ऑन 1st ऑफ अक्टूबर 2001। ये हमारा चैलेंज है ना, हमें बुक वैल्यू निकालनी है एज ऑन 1st अक्टूबर। 1st अक्टूबर को हमें बुक वैल्यू निकालनी है और हमें फेयर वैल्यू पता है प्लांट एंड मशीनरी। तो सबसे पहले हम प्लांट एंड मशीनरी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग अमाउंट निकालते हैं। ओपनिंग अब हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है 2,70,000 जो ये हमें दे रखा है, दिस इज आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 10%। तो मान लो ₹100 की चीज थी, उसमें ₹10 डेप्रिसिएशन लगा तो वो आज की डेट में ₹90 बचा, ठीक है। तो 2,70,000 इज इक्विवेलेंट टू माई 90%। तो अगर मैं बोलूँ ₹100 की चीज थी जिसमें से ₹10 डेप्रिसिएशन लगा तो ₹90 चीज बची होगी, तो 2,70,000 इज इक्विवेलेंट टू माई 90%। तो मेरी जो बेसिकली कॉस्ट रही होगी, ओपनिंग जो कॉस्ट रही होगी, दैट वुड बी 3 लाख। इसमें से मैंने क्या किया होगा, डेप्रिसिएशन फॉर हाफ ईयर माइनस किया होगा, डेप्रिसिएशन फॉर हाफ ईयर, ठीक है, हाफ ईयर का मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा, दैट कम्स आउट को 3 लाख मल्टीप्लाइड विद 10% मल्टीप्लाइड विद 1/2, तो ये 15,000 आ गया होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको देखो बताऊँ तो ये क्या हुआ, बेसिकली हमने क्या किया, ओपनिंग में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो ये हमारी बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू है एज ऑन 1st ऑफ अक्टूबर, बुक वैल्यू एज ऑन 1st ऑफ अक्टूबर 2001, ये मेरी बेसिकली बुक वैल्यू है एज ऑन 2001। अब हमें दे रखा है इसकी फेयर वैल्यू जो थी, दैट इज 4 लाख रुपीज़, तो 4 लाख रुपए की इसकी फेयर वैल्यू है। तो हमने एक्विजिशन एडजस्टमेंट कितनी करी, हमने एक्विजिशन एडजस्टमेंट कितना करा, एक्विजिशन एडजस्टमेंट, ठीक है, एक्विजिशन एडजस्टमेंट हमारा कितना हुआ, हमारा हुआ 4 लाख से हमें 285,000 की चीज़ को 4 लाख रुपए पहुंचाना है, तो हमें कितने की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, 1,15,000 की, ठीक है। अब हम इस स्केड्यूल को पूरा कर लेते हैं, अगले साल कितना डेप्रिसिएशन लगाया होगा हमने, हमने सेम डेप्रिसिएशन माइनस 15,000 लगाया होगा, लेकिन लगना कितना चाहिए था, लगना चाहिए था 4 लाख के ऊपर, 4 लाख के ऊपर हमें 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना था, दैट कम्स आउट टू -20,000। तो इतना लगाना चाहिए था, तो अभी हमने कितना कम लगाया है, हमने ये हमारा बेसिकली कंसोलिडेशन का एडजस्टमेंट होगा, तो अभी हमने 15,000 लगाया है, लगना कितना चाहिए था, 20,000 रुपये, तो हमने 5,000 डेप्रिसिएशन शॉर्ट लगाया है, दिस इज माई कंसोलिडेशन। जब फ्यूचर ईयर में हम कंसोलिडेशन करेंगे तो उसमें ये एडजस्टमेंट करनी है, तो मतलब ये बेसिकली पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में हमें एडजस्टमेंट करनी है। तो अगर मैं सिंपल आपको समझाऊँ, अगर आप देख पा रहे हो 1 मिनट, ठीक है, तो ये मेरा पर्टिकुलर्स हो गया, पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब मेरा प्लांट एंड मशीनरी था, प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू निकालनी है एज ऑन 1st ऑफ अक्टूबर, उसकी फेयर वैल्यू हमें पता है, फेयर वैल्यू दे रखी है, फेयर वैल्यू बुक वैल्यू का डिफरेंस मेरा एक्विजिशन एडजस्टमेंट हो गया, जो फेयर वैल्यू में इंक्रीज हुआ उसकी वजह से एडिशनल डेप्रिसिएशन जो आया, दैट इज माई कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, दिस इज माई कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, ये मुझे कंसोलिडेशन में एडजस्टमेंट करनी है, ये मेरे माइंड में हो गया। अब अपन आते हैं और क्या क्या फेयर वैल्यू में चेंज है, ठीक है। फॉलोइंग आर द इंक्रीज ऑन कंपैरिजन ऑफ फेयर वैल्यू विद द रेस्पेक्टिव बुक वैल्यू, तो मतलब लैंड एंड बिल्डिंग में 2 लाख का इंक्रीज है, इन्वेंट्री में 30,000 का इंक्रीज है, ट्रेड पेबल में 20,000 का इंक्रीज है, ट्रेड पेबल मेरी लाइबिलिटी है तो मुझे इसे माइनस में शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप सिंपल समझो तो लैंड एंड बिल्डिंग की फेयर वैल्यू में कितना इंक्रीज है, लैंड एंड बिल्डिंग की एक्विजिशन एडजस्टमेंट कितनी हुई फिर, 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये मेरी 2 लाख रुपीज लैंड एंड बिल्डिंग की मेरी एक्विजिशन एडजस्टमेंट हुई, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग की इतनी हुई। इन्वेंट्रीज की मेरी जो एडजस्टमेंट हुई, इन्वेंट्रीज, ठीक है, इन्वेंट्रीज की जितनी एडजस्टमेंट हुई मेरे पास 30,000 की, तो 30,000 की मेरी इंक्रीज हुआ इन इन्वेंट्रीज, ठीक है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब ट्रेड पेबल्स में इंक्रीज होना मतलब क्या होता है, नेट एसेट्स में डिक्रीज होना, तो मैंने क्या किया, ट्रेड पेबल में जो इंक्रीज हुआ मैंने उसे माइनस कर दिया, तो ट्रेड
ट्रेड पेबल में कितना इंक्रीज है, 20,000 का इंक्रीज है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बेसिकली नेट एसेट्स में से, अगर देखो लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो हमारे नेट एसेट्स कम हो रहे हैं। तो अब देखो नेट एसेट्स में एडजस्टमेंट में हमें ये 20,000 रुपये कम कर देने हैं। तो टोटल हमारी जो एडजस्टमेंट होगी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन रिलेटिंग टू माई नेट एसेट्स वुड बी दिस अमाउंट, ठीक है। ये बेसिकली मेरी एक्विजिशन एडजस्टमेंट है, 3,25,000 की मुझे एक्विजिशन एडजस्टमेंट डालनी है। तो मैंने क्या एंट्री डालूंगा, मैं इसकी डालूंगा नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू माय 3,25,000 टू इक्विटी। ये बेसिकली मेरी एक्विजिशन एडजस्टमेंट हो रही, ये बेसिकली मेरी एक्विजिशन एडजस्टमेंट डाल चुका हूं मैं, ठीक है। तो नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, दिस इज माय एक्विजिशन एडजस्टमेंट, ठीक है। अब अपन को कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट पे जाना है। कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या होगी, कंसोलिडेशन में हम क्या करते हैं, जो ये इक्विटी आ रही है, टोटल जो इक्विटी आ रही है, अब हम इसे खत्म कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे खत्म कर देंगे। देखो पहले आपने जो ये एंट्री डाली ना, हम देखो इन एंट्रीज का इफेक्ट तो आपका ऑलरेडी बैलेंस शीट में जा चुका है, ठीक है। इस एंट्री का आपको इफेक्ट देना है, इस एंट्री का आपको बैलेंस शीट में इफेक्ट देना है। तो 3,25,000 का आपको इफेक्ट यहां पे देना है। आपको क्या करना है, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, ये जर्नल एंट्री डालनी है। तो हमने 3,25,000 की एंट्री डाल दी। हमने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी में, प्लांट एंड मशीनरी में 1,15,000 का इंक्रीज किया, लैंड एंड बिल्डिंग में हमने 2,00,000 रुपये का इंक्रीज किया, ठीक है राइट। और हमने इन्वेंट्रीज में 30,000 का इंक्रीज किया, 30,000 का इंक्रीज किया है ना। और ट्रेड पेबल्स में मैंने, ट्रेड पेबल्स में बेसिकली मैंने कितने का इंक्रीज किया, माइनस मतलब बेसिकली ये 20,000 का इंक्रीज है, तो मैंने साइन चेंज कर दिया, 20,000 का इंक्रीज है। तो अब अगर आप देखो टोटल मेरा जो रिटेन्ड अर्निंग्स में इंपैक्ट आया है इसका, मतलब नेट एस जो हमने जर्नल एंट्री वहाँ पे डाली, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट दैट वुड बी, उसका इंपैक्ट कितना होगा, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट है ना टू इक्विटी, इक्विटी में हमने कितना इंपैक्ट दे दिया, 3,25,000 का है ना। ये हमारी जर्नल एंट्री डल गई, ये हमने बैलेंस शीट में भी पोस्ट कर दिया, ठीक है राइट। हमने 3,25,000 की हमने ये जर्नल एंट्री पोस्ट कर दी। तो ये एक्विजिशन एडजस्टमेंट है, ये एक्विजिशन एडजस्टमेंट है। इसका मैं यहाँ पे टोटल मार देता हूँ, यहाँ पे मैं टोटल मार देता हूँ, एक्विजिशन एडजस्टमेंट का मेरा टोटल आ गया, ये मेरा टोटल आ जाएगा। एक्विजिशन एडजस्टमेंट का टोटल मेरा कितना आया, 3,45,000 यहाँ पे आ गया। और नीचे भी मैं टोटल मार देता हूँ एक, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा टोटल एक्विजिशन एडजस्टमेंट हुई है ना, ये मेरी 3,45,000 की टोटल, मतलब ऊपर भी और नीचे भी मेरी एक्विजिशन एडजस्टमेंट हो गई है राइट। मैंने ट्रेड पेबल बढ़ा दिए, ट्रेड पेबल बढ़ा दिए, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा दिया, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ा दिया, इन्वेंट्री बढ़ा दिया, ठीक है। और इसका इंपैक्ट मैंने कहाँ ले लिया, रिटेन्ड अर्निंग्स में ले लिया, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गया। अब आप समझो, अब मेरे को क्या करना है, मुझे इक्विटी कम करनी है। अब कंसोलिडेशन की क्या एडजस्टमेंट होगी, मैं इक्विटी को खत्म कर दूंगा। जो ये इक्विटी आ रही है ना, ये वाली इक्विटी देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इक्विटी ये वाली भी इक्विटी और ये वाली इक्विटी, टोटल जो इक्विटी आ रही है इसे मैं इन्वेस्टमेंट्स के साथ नॉक ऑफ कर दूंगा। और मैं एनसी मतलब मैं क्या करूंगा, इसे इन्वेस्टमेंट्स और एनसी, देखो मैं क्या करूंगा, अब जो जर्नल एंट्री डलेगी दैट वुड बी इक्विटी अकाउंट डेबिट है ना, इक्विटी अकाउंट डेबिट, इक्विटी अकाउंट डेबिट कितना, कितने रुपए से डलेगी, 3,25,000 प्लस 72,000 प्लस 6,60,000, इतने से मेरी ये एंट्री डलेगी, इक्विटी अकाउंट डेबिट, इक्विटी अकाउंट डेबिट। अब मेरी इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट्स वुड बी माई जीरो। इन्वेस्टमेंट्स कितनी आ रही है मेरे पास बैलेंस शीट में, मेरे पास 8,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, ठीक है। लेकिन अब आप ये समझो, ये टोटल इक्विटी में मेरा सिर्फ 60% ही हिस्सा है, तो इसमें से 40% हिस्सा मेरा नहीं है, इसमें से 40% हिस्सा मेरा नहीं है। तो मैंने क्या किया, एनसीआई को क्रेडिट कर दिया, एनसीआई मीन्स दिस इज माई लाइबिलिटी। ये जो 10,57,000 के नेट एसेट्स है, इसमें से सिर्फ 60% ही मेरा है, 40% किसी और का है, तो वो 40% मुझे एनसीआई को देना पड़ेगा। तो दिस इज माई लाइबिलिटी, तो इसका 40% मुझे किसी को देना पड़ेगा। तो इक्विटी अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुआ, देखो ये क्रेडिट है बेसिकली, इन्वेस्टमेंट को हमने क्रेडिट किया, एनसीआई को भी हमने क्रेडिट किया, ठीक है। इक्विटी को डेबिट किया, इक्विटी जो भी आ रही थी हमने डेबिट किया, इन्वेस्टमेंट को हमने क्रेडिट किया, एनसीआई को हमने क्रेडिट किया, क्योंकि दिस इज माई लाइबिलिटी, 40% हिस्सा ये मेरा नहीं है बल्कि किसी और का है। अब जो डिफरेंस आया जर्नल एंट्री में, जब जो डिफरेंस आया, दैट विल बी ट्रांसफर टू माई गुडविल, दैट विल बी ट्रांसफर टू माई गुडविल अकाउंट। तो अगर आप देखो तो इस जर्नल एंट्री में इतना डिफरेंस है, 8,65,800 का डिफरेंस है। तो ये बेसिकली मेरी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है। कंसोलिडेशन में क्या होगा, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में देखो, सबसे पहले मैंने एक्विजिशन एडजस्टमेंट करी, फिर मैंने
कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करी, एक्विजिशन में मैंने क्या किया नेट एसेट्स को बढ़ा दिया टू इक्विटी, फिर मैंने क्या किया कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में जो टोटल इक्विटी थी उसे डेबिट मारा, टोटल इक्विटी किसकी सब्सिडरी टोटल इक्विटी उसे मैंने डेबिट मारा, नॉट ऑफ विथ माय इन्वेस्टमेंट एंड आल्सो बुट एनसीआई शेयर एंड द डिफरेंस इन द जर्नल एंट्री विल बी ईदर ट्रांसफर टू गुडविल और द कैपिटल रिजर्व। तो अब देखो अब क्या हुआ मेरा, अब देखो इसका इफेक्ट क्या आ जाएगा, अब मेरी इन्वेस्टमेंट मैंने खत्म कर दी, मैंने इन्वेस्टमेंट को खत्म कर दिया, मैंने इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर दिया, जीरो कर दिया इन्वेस्टमेंट को, ठीक है इन्वेस्टमेंट को मैंने खत्म कर दिया, इक्विटी को भी खत्म कर दिया, इक्विटी को भी मैंने क्या किया इक्विटी को डेबिट किया है, तो मतलब मैंने बेसिकली इक्विटी को खत्म कर दिया, कितने से खत्म किया मैंने इक्विटी को, मैंने बेसिकली 10,57,000 से, तो अगर मैं बोलूं 4,00,000 रुपए तो मैंने शेयर कैपिटल खत्म कर दिया, 2,00,000 रुपए मैंने ये खत्म कर दिया, ठीक है और मैंने अब कितना बचा 10,57,000 मुझे खत्म करना था टोटल, 10,57,000 मैंने टोटल इक्विटी खत्म करी जिसमें से 4,00,000 मेरा शेयर कैपिटल, 2,00,000 अदर रिजर्व, तो ये बेसिकली मेरा हो गया वन मिनट ये मैंने कितना खत्म किया, मतलब मैंने अगर आप समझो रिटेन अर्निंग्स में से 4,57,000 खत्म कर दिया, 4,57,000 मैंने रिटेन अर्निंग्स में से खत्म कर दिया, तो मैंने देखो 10,57,000 की क्या एंट्री डाली, देखो 10,57,000 मैंने इक्विटी डेबिट किया ना, अब ये मैंने कैसे किया, मैंने शेयर कैपिटल पूरा खत्म कर दिया, अदर रिजर्व पूरा खत्म कर दिया, लेकिन जो रिटेन अर्निंग्स थी उसमें से सिर्फ 4,57,000 ही खत्म किया और जो बैलेंस है 32,000 रुपये वो क्या है, वो बेसिकली पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, तो ये 32,000 रुपए है, तो इसे मुझे खत्म नहीं करना, 32,000 रुपए अभी रखना है मुझे, ठीक है तो ये बेसिकली मुझे एक्विजिशन डेट पे मैंने क्या किया सिर्फ कितना खत्म किया सिर्फ 4,57,000 क्योंकि जो बैलेंस जो बचा दैट इज माय 72,000 प्रॉफिट एंड 40,000 इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माय डिविडेंड, तो मुझे 32,000 रुपए बैलेंस अभी रखना है, तो ये मेरा बेसिकली ये मेरी जर्नल एंट्री बनी, मैंने ये खत्म कर दिया और कितने से 10,57,000 से मैंने खत्म कर दिया, अब मैंने एनसीआई बुक करना है और 4,22,800 तो NCI नाम की मैं एक नई चीज यहाँ पे खोल रहा हूँ जिसका नाम होगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये कितने से होगा ये मेरा 4,22,800 से बुक होगा, अब देखो टोटल कितना आ रहा है 6,34,200 इधर आ रहा है -8,00,000, अब हमें गुडविल बुक करनी पड़ेगी यहाँ पे, गुडविल नाम का मैंने एक नया लेजर खोला जिसका नाम होगा गुडविल मैंने कितने ही बुक करी, मैंने गुडविल बुक करी 8,65,800 की, 8,65,800 की मैंने गुडविल बुक कर ली, तो अब आपकी क्या हुआ होगा जर्नल एंट्री टैली हो गई होगी, 6,34,200 माइनस में हुआ यहाँ पे और यहाँ पे भी अगर आप देखो नीचे में माइनस में हुआ होगा 6,34,200, तो 6,34,200 की बेसिकली मेरी कंसोलिडेशन की एंट्री डल गई, ये एज ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नंबर वन, ये हमारी सबसे पहली एडजस्टमेंट हो गई, तो इस एंट्री को भी हमने अपने फिनेंशियल्स में पिकअप कर दिया, ठीक है गुडविल अकाउंट डेबिट, इक्विटी अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट एंड एनसीआई अकाउंट क्रेडिट, ये हमने एंट्रीज का इफेक्ट दे दिया। अब आप देखो अब आपकी आती है पोस्ट एक्विजिशन एंट्रीज, अब आपकी क्या आती है पोस्ट एक्विजिशन एंट्रीज, अगर आप देखो अब आपकी आती है पोस्ट एक्विजिशन एंट्रीज, पोस्ट एक्विजिशन में क्या है आपने डिविडेंड बांटा, अब डिविडेंड बांटा तो इसका आपने क्या किया आपने एंट्री डाली, सब्सिडरी ने एंट्री डाली इक्विटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है अब मिला किससे था डिविडेंड, ये मिला था राम लिमिटेड को डिविडेंड, लेकिन इसका सिर्फ 60% ही राम लिमिटेड को मिला था, इसका सिर्फ 60% ही राम लिमिटेड को मिला था, तो देखो राम लिमिटेड को कितना मिला, राम लिमिटेड को 24,000 रुपए मिला होगा, देखो अगर टोटल 40,000 डिविडेंड बांटा सब्सिडरी ने, 40,000 डिविडेंड मांडा जिसमें से मेरा शेयर सिर्फ 60% है, तो मुझे 24,000 रुपया डिविडेंड मिला होगा, ठीक है अब ये यहाँ पे आप सेपरेटली वर्कआउट करो होल्डिंग ने क्या एंट्री डाली होगी, होल्डिंग कंपनी ने क्या डाला, बैंक में मेरे 24,000 रुपये आए, बैंक में मेरे 24,000 रुपये आए, है ना मेरे बैंक में 24,000 रुपये आ चुके हैं, अब मेरे क्या है ये मैंने कहाँ पे क्रेडिट किया है, ये जो डिविडेंड है दैट इज क्रेडिटेड राम लिमिटेड हैज़ क्रेडिटेड द डिविडेंड रिसीव टू इट्स रिटेन्ड अर्निंग्स, तो मैंने अपनी इक्विटी में डाला है, मतलब टू होल्डिंग के रिटेन अर्निंग्स में डाला है मैंने, ठीक है तो मेरी एंट्री क्या डली, ये मेरी स्टैंड अलोन फिनेंशियल में डली होगी किसके, होल्डिंग के फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डली, बैंक अकाउंट डेबिट टू होल्डिंग्स रिटेन्ड अर्निंग, ये बेसिकली मेरी जर्नल एंट्री डली किसके, होल्डिंग के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या एंट्री डाली बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में मुझे 24,000 रुपए मिले टू होल्डिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है टू होल्डिंग रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है अब आपको क्या करना है, अब आपको इस जर्नल एंट्री का इफेक्ट कंसोलिडेशन में देना है, अब आप देखो कंसोलिडेशन में क्या एडजस्टमेंट करोगे, आप बोलोगे 40,000 का डिविडेंड
किसने दिया था? सब्सिडरी ने दिया था, ठीक है, जिसमें से 24,000 किसे मिला? होल्डिंग को मिला, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, होल्डिंग की रिटेन अर्निंग में जो ये प्रॉफिट क्रेडिट हुआ हम इसे हटा देंगे, और जो सब्सिडरी की क्या बोलते हैं, सब्सिडरी के जो हमारे क्या बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स में ये जो इक्विटी डेबिट हुआ हम इसे हटा देंगे। तो हम क्या एंट्री डालेंगे, हम डालेंगे होल्डिंग इक्विटी अकाउंट डेबिट। तो हम होल्डिंग की इक्विटी में से हम क्या कर देंगे, 24,000 रुपये कम कर देंगे होल्डिंग की रिटेन अर्निंग्स में से। बेसिकली ये जो है इस लेजर को हम खत्म कर देंगे। देखो होल्डिंग ने क्या एंट्री डाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू होल्डिंग रिटेन अर्निंग्स, ठीक है, और इधर क्या एंट्री डाली भी, इक्विटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने इस इक्विटी को ट्रांसफर करना है, हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, हम एंट्री डालेंगे इक्विटी को हम पहले क्रेडिट कर देते हैं, हम क्या करते हैं टू इक्विटी, ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक मिनट है ना, तो होल्डिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, हमने क्या किया इक्विटी को 40,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया, मतलब जो ये डेबिट था हमने इसे हटा दिया, ठीक है। हमने बोला इतना मेरा जो 24,000 है वो होल्डिंग के रिटेन अर्निंग्स में ज़्यादा आ रहा है, तो हमने होल्डिंग के रिटेन अर्निंग्स में से हम ये माइनस कर देंगे, ठीक है। होल्डिंग रिटेन अर्निंग्स अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पे जो 16,000 है वो हमने किसे दिया, एनसीआई को दिया, तो एनसीआई को हमने 16,000 रुपये दे दिया है, तो हमने एनसीआई को पेमेंट कर दिए 16,000 रुपये की, तो हम क्या करेंगे एनसीआई को डेबिट मार देंगे। तो ये कंसोलिडेशन में एंट्री होगी, होल्डिंग का इक्विटी कम हो जाएगा 24,000 से, ठीक है, होल्डिंग का इक्विटी जो होगा वो 24,000 रुपये से कम हो जाएगा। देखो मैं आपको एडजस्टमेंट करके बताता हूँ कैसे होगी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या होगा, हमारी इक्विटी क्रेडिट हो रही है 40,000 से, मतलब सब्सिडरी की जो इक्विटी है, देखो ये जो सब्सिडरी है ना कृष्णा लिमिटेड, इसकी इक्विटी को हम 40,000 से क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि जो 40,000 को जो डेबिट आ रहा था हमने क्या किया उसे हटाना है। हमने उसे कैसे हटाएंगे, हम बोलेंगे 40,000 के डिविडेंड में से 24,000 कहाँ पे जाके बैठा है, 24,000 मेरी होल्डिंग की इक्विटी में जाके बैठा है। तो होल्डिंग की इक्विटी अगर आप देखो, होल्डिंग की इक्विटी मतलब 8,14,000 इधर जाके आपका ये बैठा है, मतलब इसमें से 24,000 रुपये किसका है, 24,000 किसका है, सब्सिडरी का है। तो मैंने 40,000 रुपये यहाँ पे पहले सब्सिडरी का एड बैक कर दिया और इसमें से क्या किया होल्डिंग की इक्विटी में से माइनस कर दिया, ठीक है। होल्डिंग की इक्विटी का मतलब क्या हो गया, अब मैं एक नया लेजर खोल रहा हूँ जिसका नाम होगा कंसोलिडेटेड इक्विटी, ठीक है, कंसोलिडेटेड इक्विटी, ठीक है। ये क्या होगा बेसिकली, ये टोटल इक्विटी है। तो मैंने क्या किया, ये जो 8,14,000 है इसमें से 24,000 क्या है, 24,000 तो सब्सिडरी का डिविडेंड है। तो मैंने बोला मेरी इनकम 8,14,000 नहीं है, मेरी इनकम कितनी है, सिर्फ मेरी इनकम है 8,14,000 माइनस 24,000, तो ये बेसिकली मेरी इनकम है। तो 8,14,000 मतलब 90,000 ही मेरी इनकम है। बेसिकली मैंने क्या किया, 40,000 को इक्विटी की एंट्री, जो ये जो डिविडेंड की एंट्री थी, क्या एंट्री डली हुई थी स्टैंड अलोन में, इक्विटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। मैंने क्या किया, बैंक तो टैली हो गया, ठीक है, बैंक तो टैली हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बैंक से पेमेंट हुई और वहाँ पे 24,000 जुड़ गए, और जो बाकी 16,000 है वो एक्चुअल में पेमेंट हुई टू माई एनसीआई, ठीक है, तो बैंक मेरा टैली है। अब मुझे क्या करना है, इस इक्विटी को मुझे क्रेडिट करना है। मैंने इस इक्विटी को क्रेडिट किया, होल्डिंग की इक्विटी में 24,000 रुपये प्रॉफिट आ रहा था, मैंने उसे हटा दिया, 24,000 मैंने होल्डिंग के प्रॉफिट में से हटा दिया, ठीक है, और बाकी मैंने क्या किया एनसीआई में डेबिट कर दिया। तो ये मेरी जर्नल एंट्री डली ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया एनसीआई में कितना डाल दिया 16,000 रुपये, तो अब मेरी जर्नल एंट्री टैली हो गई, ठीक है। तो मैंने 40,000 का क्रेडिट किया इक्विटी में, 24,000 मैंने क्या किया माइनस कर दिया इन माई होल्डिंग की रिटेन अर्निंग्स में से, क्योंकि 8,14,000 का प्रॉफिट नहीं है उसका सिर्फ 90,000 का प्रॉफिट है, क्योंकि 90,000 प्लस 24,000 डिविडेंड वो 8,14,000 है। तो मैंने क्या किया होल्डिंग की इक्विटी को मैंने 24,000 से क्या बोलते हैं माइनस कर दिया, ठीक है, और मैंने जो 16,000 NCI को दिए थे दैट आई हैव ट्रीटेड एज पेमेंट टू NCI, और मैंने NCI को डेबिट कर दिया, ठीक है। तो NCI को डेबिट किया, एंट्री क्या डली होल्डिंग इक्विटी अकाउंट डेबिट NCI अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। ये बेसिकली मेरी जर्नल एंट्री डली, ठीक है। अब आप आओ यहाँ पे, अब हमने फ्यूचर में प्रॉफिट कमाया नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। अब हमने क्या करना है, इक्विटी वाली एंट्री को क्या करना है, ये सब्सिडरी की इक्विटी है, ठीक है, हमने क्या करना है इसे कंसोलिडेटेड इक्विटी में डालना है। हमने बोला इक्विटी अकाउंट डेबिट, हमने ये बोला इक्विटी या बैलेंस हम क्या कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहे हैं, ये जो 72,000 रुपये है हमने दो हिस्सों में ट्रांसफर करना है। एक तो हुआ टू कंसोलिडेटेड इक्विटी, मतलब ये हमारा प्रॉफिट है, हमारा प्रॉफिट में कितना शेयर है, हमारा सिर्फ 60% शेयर है, बाकी किसका शेयर है टू एनसीआई, ये एनसीआई का शेयर है, तो 40% किसका शेयर है एनसीआई का शेयर है। तो ये बेसिकली मेरी कंसोलिडेशन की एंट्री डली। तो मैंने क्या किया
इक्विटी को डेबिट किया, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली रिटेन अर्निंग्स किसकी, ये रिटेन अर्निंग्स किसकी है हमारी, ये बेसिकली हमारी किसकी है, होल्डिंग की रिटेन अर्निंग्स है। तो इसमें से मैंने 72,000 रुपये माइनस कर दिए, 72,000 रुपये माइनस कर दिए, और ये मैंने कहाँ डाला, कंसोलिडेटेड इक्विटी में डाला। मेरा कंसोलिडेटेड इक्विटी में कितना आया, मेरा कंसोलिडेटेड इक्विटी में आया मेरा अपना शेयर 43,200, बाकी चला गया एनसीआई के पास। बाकी कहाँ चला गया, एनसीआई के पास। तो अगर आप देखो 72,000 में से 43,200 मेरे पास आ गया, बाकी मैंने एनसीआई को दे दिया। ये जर्नल एंट्री डली हमारी इसकी। अब आपका देखो, अगर आप ये एंट्री डाल दो, इसके बाद हमारी जो सब्सिडरी की जो इक्विटी है दैट वुड कम टू जीरो। ये हमारी जर्नल एंट्रीज हुई, और हमारी जो सब्सिडरी की जो टोटल इक्विटी है दैट हैज बिकम जीरो। तो देखो हमने क्या क्या एंट्रियां डाली। सबसे पहले हमने एक्विजिशन डेट पे एंट्री डाली नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, और इक्विटी को खत्म करके इक्विटी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स टू टू एनसीआई और गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ये पहली जर्नल एंट्री। फिर हमने क्या किया, डिविडेंड की एडजस्टमेंट करी। डिविडेंड की एंट्री हमने यहाँ पे क्या डाल रखी है, स्टैंड अलोन में इक्विटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। और होल्डिंग ने क्या डाल रखी थी, होल्डिंग ने डाल रखी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू होल्डिंग्स इक्विटी, टू होल्डिंग्स इक्विटी, ठीक है। हमने क्या किया, होल्डिंग की इक्विटी को डेबिट किया, इक्विटी ये वाली जो डेबिट थी इसे हमने क्रेडिट किया, ठीक है। और जो एनसीआई को हमने डेबिट किया, मतलब 16,000 रुपये हमने एनसीआई को दे दिए, 24,000 हमने होल्डिंग की इक्विटी में से माइनस कर दिए, और बाकी हमारा क्या है, बाकी हमारा क्या बोलते हैं, फिर हमारी जर्नल, मतलब हमने अपनी इक्विटी को वो वाली जर्नल एंट्री को रिवर्स कर दिया। मतलब देखो, क्योंकि बेसिकली क्या हुआ, हमने एनसीआई को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड किया, तो हमने एनसीआई को डेबिट किया टू माई इक्विटी, टू माई ये जो इक्विटी का बैलेंस आ रहा है ना, ये हमने ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब फिर हमने क्या किया, प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट कमाया तो हमने इस इक्विटी का बैलेंस कैसे ट्रांसफर किया, हमने बोला इक्विटी अकाउंट डेबिट टू माई कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड इक्विटी अकाउंट टू माई एनसीआई अकाउंट। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो इक्विटी होती है ना पोस्ट एक्विजिशन में, हमने इस बैलेंस को खत्म करना होता है। हम खत्म कैसे रहेंगे, मतलब इसका रिवर्स करेंगे। देखो अगर 24,000 का डिविडेंड होल्डिंग की इक्विटी में आ रहा है, तो हमने क्या किया, 24,000 रुपये उसके इक्विटी में से खत्म कर दिया। 24,000 हमने यहाँ पे खत्म कर दिया, 24,000 हमने होल्डिंग की इक्विटी में से खत्म कर दिया, राइट है ना। और 16,000 हमने क्या कर दिया, एनसीआई के बैलेंस में से, एनसीआई के बैलेंस में से। तो अब अगर आप बोलो, अब हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या बैलेंसेज आ रहे होंगे, एक मिनट को, अब देखो फाइनल बैलेंस क्या आ रहा होगा। फाइनल बैलेंस ऑब्वियसली बात है इज इक्वल्स टू सम टोटल ऑफ, वन मिनट, ये बेसिकली मेरा यहाँ पे फाइनल बैलेंस आ गया, इज इक्वलेंट टू सम टोटल ऑफ, सम टोटल ऑफ ऑल दीज एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो इन सारी एडजस्टमेंट्स का अगर मैं टोटल कर दूँ, तो दैट इज माई टोटल बैलेंस, दैट इज माई टोटल बैलेंस। तो ये बेसिकली मेरा टोटल बैलेंस आ रहा हुआ 24,78,200, ठीक है। अब अगर मैं इसी लाइन पे, लाइन बाय लाइन पे अगर मैं टोटल कर दूँ, लाइन बाय लाइन पे अगर आप देख पा रहे हो, तो बेसिकली मेरा क्या हुआ, अब देखो आप ध्यान से समझना ट्रांजेक्शन को क्या हो रहा है। ट्रांजेक्शन क्या हुई, ठीक है, ट्रांजेक्शन यूँ हुआ, 10 लाख का 10 लाख एज इट इज़ आ गया, 6 लाख का 6 लाख एज इट इज़ आ गया, 8,14,000, 8,14,000 में से आपने क्या किया, 8,14,000 में से आपने 24,000, तो ये नहीं, 8,14,000 है ना, ये आपका 8,14,000 है, ये देखो ये तो आपका जीरो हो ही गया, ये तो आपका सब कुछ जीरो है। तो अब आपका इम्पैक्ट देखो क्या आया, 8,14,000 में से 24,000 आपने हटा दिया, आपने हटा इसलिए दिया क्योंकि ये सब्सिडरी ने आपको दिया है, मतलब 8,14,000 आपका प्रॉफिट नहीं था, आपका प्रॉफिट सिर्फ 90,000 था। तो आपने 8,14,000 में से 24,000 हटा दिया, ठीक है, आपने 24,000 हटा दिया, और 43,200 आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, तो आपने जोड़ दिया। तो ये आपका नेट बैलेंस जो आया वो कितना आया, आपका जो नेट बैलेंस आ रहा है अब आपका जो आएगा फिनेंशियल्स में वो जाएगा कितना है, रिजर्व एंड सरप्लस, ये बेसिकली मेरा हो गया 1,33,200। ये बेसिकली मेरी कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स है, ये मेरा कंसोलिडेटेड अदर रिजर्व्स है, ये कंसोलिडेटेड मेरा शेयर कैपिटल है, ठीक है। ये मेरा जो, ये जो कॉलम होना चाहिए ना, दैट वुड इवेंचुअली बिकम माई जीरो, ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए। तो अब मेरा जो अदर टोटल रिटेन अर्निंग्स है दैट इज़ माई 1,33,200, 6 लाख का ये बैलेंस है और 10 लाख का ये है। तो ये बेसिकली मेरे नेट एसेट्स है आज की डेट में इन माई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनसीआई बड़ा सिंपल है, एनसीआई डेट ऑफ एक्विजिशन पे कितना था उतना हमने लिख दिया, उसमें से हमने डिविडेंड माइनस कर दिया और हमने प्रॉफिट जो पोस्ट एक्विजिशन था वो ऐड कर दिया। तो ये आता 4,35,600 रुपये, और ये बेसिकली बाकी सब समीशन है, ठीक है, तो बाकी सब समीशन है। तो अब अगर आप देखो तो टोटल कितना आ जाता है, 24,77,800, 1 मिनट, कुछ डिफरेंस आ रहा है, डैट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ,
अच्छा पता चल गया मुझे डिफरेंस। एक्चुअल में ये 8,14,000 नहीं था, जबकि क्वेश्चन में जो ये दे रखा है दैट इज़ माई 8,14,400 दे रखा है। ये जो क्वेश्चन में था, ये जो बैलेंस था ना, पता मैंने बोला यार पता नहीं क्या डिफरेंस आ गया, आना तो 1 रुपया डिफरेंस नहीं चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, मैंने जब क्वेश्चन को टाइप किया तो ये 1,41,400 था, तो ये 400 मेरा पिकअप होना रह गया। तो 1,14,400 ये बैलेंस है। तो अब हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है, 24,78,200, 24,78,200। लेकिन अभी भी एक हम जर्नल एंट्री करना भूल गए हैं, वो क्या है, वो हम कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट नंबर 3, जो कि हमारी क्या थी, हमारी थी जर्नल एंट्री कौन सी थी, अगर आपको याद हो, जो प्लांट एंड मशीनरी पे हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन हमें बुक करना था ना, ये 5,000 का, ये अभी हमने नहीं बुक किया है। तो हम इसकी क्या एंट्री डालेंगे, हम सिंपल सी बात है, हम एंट्री डालेंगे, हम बोलेंगे अपना इसकी क्या एंट्री होगी, हम बोलेंगे कंसोलिडेटेड मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को मैं क्या बोलूँ, कंसोलिडेटेड इक्विटी है, वो मेरा कम हो जाएगा कितने से, 5,000 इंटू इंटू 60%, तो मेरा 3,000 से कंसोलिडेटेड इक्विटी खत्म हो जाएगा। मेरा एनसीआई कितने से हो जाएगा, मेरा एनसीआई मेरा जो इफेक्ट होगा वो मेरा एनसीआई को कितना इफेक्ट होगा, 20% से, तो मेरी एंट्री हो जाएगी कंसोलिडेटेड इक्विटी अकाउंट डेबिट, एनसीआई अकाउंट डेबिट टू माई प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू माई प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो ये मेरा बेसिकली 40% था, सॉरी, है ना। तो ये मेरी जर्नल एंट्री बनी, कंसोलिडेटेड इक्विटी एनसीआई अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो अब देखो, प्लांट एंड मशीनरी में हमें क्या करना है, 5,000 का एडजस्टमेंट करना है। तो हमने क्या किया, -5,000 कर दिया प्लांट एंड मशीनरी में, प्लांट एंड मशीनरी में -5,000 हो गया, बाकी मेरा कंसोलिडेटेड इक्विटी, कंसोलिडेटेड इक्विटी में मेरा कितना माइनस हो गया, कंसोलिडेटेड इक्विटी मेरा ये वाला बैलेंस आ रहा है, कंसोलिडेटेड इक्विटी में मेरा 3,000 रुपये माइनस हो गया, ठीक है। और मेरा एनसीआई में कितना माइनस हो गया, एनसीआई में मेरा 2,000 माइनस हो गया। तो ये बेसिकली मेरा रिवाइज्ड बैलेंसेस आ रहे हैं आफ्टर माय ऑल एडजस्टमेंट्स। तो जी यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया फॉर्मूले को, और मेरा अब देखो, अब जो मेरा बैलेंस शीट आ रही है वो एकदम करेक्ट बैलेंस शीट है। तो देखो हमने क्या क्या एडजस्टमेंट्स करी है ना, अब आपको मैं रिवाइज कराता हूँ पूरा क्वेश्चन, ठीक है। पूरे क्वेश्चन को अब हम देखो कैसे समझते हैं, अब हम कैसे समझते हैं वो हमारे ऊपर है। 2 मिनट रुको, 1 मिनट में इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, अब आपको समझ ज़्यादा बेटर आने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हमने सबसे पहले जो बैलेंसेस थे हमने उसे लाइन बाय लाइन जोड़ना है, ठीक है। फिर हमने एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट की टेबल बनानी है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली एनालिसिस करेंगे, क्या एनालिसिस करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे प्रॉफिट्स का, प्रॉफिट्स का क्या एनालिसिस करेंगे, कितना ओपनिंग था, कितना हमने कमाया, कितना हमने क्या बोलते हैं, कितना हमने कमाया, कितना हमने कमाया फॉर दी हाफ ईयर, कितना हमने बांट दिया, कितना हमने बाद में कमाया, और क्लोजिंग इक्विटी, ये हमने रिकंसिलिएशन प्रिपेयर कर दी। ये एंट्रीज हमारी ऑलरेडी डली हुई होती है, तभी तो हमारे पास बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ता है, एक्विजिशन एडजस्टमेंट का अमाउंट डिटरमिन करना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू को कंपेयर करते हैं। बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू को हमने कहाँ कंपेयर किया, नीचे कंपेयर किया, प्लांट एंड मशीनरी या लैंड एंड बिल्डिंग या इन्वेंट्री या और ट्रेड पेबल, इसका जो इफेक्ट आता है हम उसकी एंट्री ले लेते हैं नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। अब जो इक्विटी आ रही है ये हमारी फाइनल होती है, टोटल इक्विटी होती है एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जो कि हमारे इस केस में कितनी थी, 3,25,000 एक्विजिशन एडजस्ट प्लस 72,000 प्लस 6,60,000, ये हमारी कितनी थी, 10,57,000। इसकी हम क्या एंट्री डालते हैं, इसकी हम डालते हैं इक्विटी अकाउंट डेबिट, इक्विटी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स टू माई क्या बोलते हैं एनसीआई, और टू मेरा गुडविल या कैपिटल रिजर्व एंट्री में आ जाता है। तो ये बेसिकली मेरी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट हो जाती है, ये बेसिकली मेरी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट हो गई, ठीक है। ये मेरी जर्नल एंट्री डल गई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, राइट, क्योंकि इतनी मेरी एंट्रीज आ रही थी ऑलरेडी, इतनी मैंने पोस्ट कर दी थी, 3,25,000 ये मेरी कहाँ पे आ रही है, इन माई एक्विजिशन एडजस्टमेंट मेरे कॉलम में आ रही है, ये 3,25,000 की एंट्री। फिर मैंने इस एंट्री का इफेक्ट भी नलीफाई कर दिया, क्या एंट्री डाली, गुडविल अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट एनसीआई, ठीक है। ये बेसिकली मेरा यहाँ पे कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नंबर 1 आ गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब मेरे सब्सिडरी ने होल्डिंग को डिविडेंड दिया था, 40,000 रुपये टोटल बांटे थे जिसमें से 24,000 होल्डिंग को मिला, इसने क्या एंट्री डाली, इक्विटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। इधर इसने क्या एंट्री डाली, इसने डाली बैंक अकाउंट डेबिट टू होल्डिंग इक्विटी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस होल्डिंग इक्विटी को डेबिट किया, ठीक है, 24,000 से, और फिर मैंने एनसीआई को, क्योंकि मैंने एनसीआई को 16,000 रुपये की पेमेंट कर दी है, तो एनसीआई अकाउंट डेबिट, क्योंकि अगर आप देखो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो पेमेंट करी, देखो 24,000 हमने कैश इधर दिया, इधर आ गया, तो वो तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पेमेंट नहीं हुई, लेकिन जो 16,000 की है वो एक्चुअल पेमेंट है, ठीक है। तो हमने क्या एंट्री डाली, इक्विटी अकाउंट डेबिट, होल्डिंग इक्विटी अकाउंट डेबिट एनसीआई अकाउंट डेबिट, एनसीआई को 16,000 से हमने डेबिट कर दिया टू माई इक्विटी अकाउंट, ये वाला जो इक्विटी अकाउंट है ये हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो इसकी एडजस्टमेंट भी हमने यहाँ पे ले ली, हमने क्या किया,
इक्विटी अकाउंट डेबिट, होल्डिंग इक्विटी को हमने खत्म कर दिया, मतलब होल्डिंग की इक्विटी मतलब 814,400 का जो प्रॉफिट है उसमें से हमने बोला कि 24,000 को हमें डिविडेंड मिला है, 24,000 तो हमें डिविडेंड मिला है, तो हमारी जो नेट इनकम है दैट इज ओनली ऑफ 90,400, हमने ऐसे बोला, ठीक है। तो ये 24,000 हमने हटा दिए, 24,000 हमने हटा दिए, क्योंकि क्या हुआ ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, हमें 24,000 एक 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 ही बंदा अपने आप को कैसे पैसे दे सकता है ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये 24,000 क्या हुआ कुछ मूवमेंट ही नहीं हुई, ठीक है, बस एक बैंक बैलेंस से दूसरे बैंक बैलेंस में बैलेंस चला गया और कुछ नहीं हुआ इसका, तो इसका मतलब ये मेरी इनकम नहीं है। कभी भी देखो जब भी कंसोलिडेशन होता है तो हम क्या करते हैं, लेट सपोज आपने 100 रुपये कमाए, हम क्या करते हैं 100 रुपये को क्लब कर लेते हैं, तो एक चीज़ बताओ 100 रुपये में से जब 20 रुपये मिलते हैं तो हम उसे थोड़ी ना क्लब करते हैं, क्योंकि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ उसकी एंट्री क्या होती है एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में चला गया, बस ये एंट्री होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो इनकम आ रही थी 24,000 रुपए, ये हमने होल्डिंग के इक्विटी में से हटा दी, तो हमने एंट्री डाली होल्डिंग इक्विटी अकाउंट डेबिट, एनसीआई को हमने डेबिट मारा, इसलिए डेबिट मारा एनसीआई को, एनसीआई को भी हमने डेबिट मार दिया क्योंकि हमने 16,000 रुपए की एक्चुअल पेमेंट करी है टू माय नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो होल्डिंग इक्विटी अकाउंट डेबिट, एनसीआई अकाउंट डेबिट और टू माय इक्विटी, ये मेरी सब्सिडरी की इक्विटी है, इसे मैं अगर मैं सिंपल बोलूं तो दिस इज माय इक्विटी ऑफ सब्सिडरी, दिस इज माय इक्विटी ऑफ सब्सिडरी, ये जितने भी इक्विटी है ना ये यहां पे जो भी इक्विटी आ रहा है दिस इज माय इक्विटी ऑफ सब्सिडरी, ये इक्विटी है किसका सब्सिडरी का, ठीक है। फिर आपने क्या किया, अब आपने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कितना कमाया, आपने एंट्री डाली नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, ये ऑलरेडी डली हुई है इन माय स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन अब आपको इसको एसएफएस में डालना है, आप क्या करोगे इक्विटी को डेबिट मारोगे, इक्विटी को डेबिट मारोगे और वो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दोगे टू कंसोलिडेटेड इक्विटी अकाउंट टू एनसीआई अकाउंट, टू कंसोलिडेटेड इक्विटी अकाउंट टू एनसीआई अकाउंट, है ना। तो ये दो दो बंदों में प्रॉफिट जाएगा, एक तो मेरा प्रॉफिट है 60% मेरा प्रॉफिट है, 40% मेरा एनसीआई का प्रॉफिट है, ये एंट्री भी मैंने डाल दी, ठीक है ना, इक्विटी अकाउंट डेबिट टू कंसोलिडेटेड इक्विटी टू एनसीआई, ठीक है। लेकिन अब पता चला हमने प्लांट एंड मशीनरी जो फेयर वैल्यू किया था उसकी वजह से हमें 5,000 रुपये का एडिशनल डिप्रिसिएशन बुक करना है, इसका हम क्या एंट्री डालेंगे, हम बोलेंगे प्लांट एंड मशीनरी हमारा कम हो गया, तो क्रेडिट हम क्या करते हैं एसेट जब कम होता था हम उसे क्रेडिट करते हैं, तो हमने प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट कर दिया, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 5,000 से कम कर दिया, और हमने इसे बोला कि इसका जो लॉस है वो कौन बॉन्ड करेगा, एक होल्डिंग बॉन्ड करेगा एक एनसीआई बॉन्ड करेगा, होल्डिंग 60% एनसीआई 40%, तो हमने एंट्री डाली कंसोलिडेटेड इक्विटी अकाउंट डेबिट, कंसोलिडेटेड इक्विटी अकाउंट डेबिट एनसीआई अकाउंट डेबिट टू माय प्लांट एंड मशीनरी, ये जनरल एंट्री बन गई आपकी सारी, ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए, ये माइंड में बैठ जानी चाहिए। तो ये आपकी एंट्री डली कंसोलिडेटेड इक्विटी अकाउंट डेबिट एनसीआई अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, तो अगर मैं सिंपल बोलूँ ये आपकी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स है और ये आपकी एक्विजिशन एडजस्टमेंट है, ये आपकी एक्विजिशन एडजस्टमेंट है, ये आपकी एक्विजिशन एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो ये पाँच एंट्रियाँ अगर आप डाल दो, अगर ये आप पाँच एंट्रियाँ डाल दो तो आपकी बैलेंस शीट, तो बस आपको टोटल मारना है, फिर कुछ नहीं करना, बस ये पाँच एंट्रीज का इफेक्ट आपको देना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इन पाँच एंट्रीज का, मतलब देखो ये वाली एंट्रियाँ तो आपकी ऑलरेडी आ रही है, ठीक है, ये वाली एंट्रियाँ तो आपकी ऑलरेडी आ रही है, तो आपको क्या करना है इन पाँच एंट्रीज का, ये 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, इन पांच एंट्रीज का आपको इफेक्ट देना है इन माय कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब अपन बनाते हैं सोकी, सोकी बनाना सीखते हैं, देखो सोकी में कैसे बनेगा, सोकी में देखो इंस्टीट्यूट ने क्या प्रेजेंटेशन करी है, 1 मिनट है ना, सोकी में प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ना। देखो इंस्टीट्यूट क्या क्या वर्किंग नोट्स बनाता है अपन ये भी समझ लेते हैं पहले, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर फाइव में चलते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक एनसीआई का नोट बनाता है, ठीक है, अपनी बैलेंस शीट तो टैली होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टीट्यूट क्या करता है, फिर हर पीपी को बाइफर्केट करता है, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। गुडविल का हमने कंपटीशन करा था अभी, 865,800 आ रहा था, है ना। इंस्टीट्यूट ने बेसिकली यहाँ पे अलग अलग बाइफर्केट किया है, ठीक है, कि ये किस किस का बैलेंस है। फिर देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हमें पता ही है। अब देखो अदर इक्विटी का नोट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। अब देखो हमारे यहाँ पे कैसे बन रहा है अदर इक्विटी का नोट, अगर आप देख पा रहे हो अदर इक्विटी हमारी कैसे आ रही है, 10 लाख का हमारा शेयर कैपिटल, देखो ये हमारी अदर इक्विटी है, ठीक है, राइट, ये हमारी अदर इक्विटी है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख का आ रहा है अल्टीमेटली, अल्टीमेटली हमारा जो इक्विटी शेयर कैपिटल है दैट इज कमिंग ऑफ 10 लाख, 10 लाख का हमारा 10 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अदर इक्विटी, अदर रिजर्व्स हमारे कितने आ रहे हैं, 6 लाख रुपए, तो इंस्टीट्यूट के भी कितने आ रहे हैं, 6 लाख रुपए अदर रिजर्व्स आ रहे हैं, ठीक है, 6 लाख रुपए अदर रिजर्व्स इंस्टीट्यूट के भी आ रहे हैं, ठीक है। फिर आपने क्या किया, 8 लाख
14,400, यही क्या है बेसिकली आपने होल्डिंग का रिटेन अर्निंग्स है, होल्डिंग की रिटेन अर्निंग्स कितनी आ रही है 8,14,400। लेकिन आपने क्या किया इसमें से बोला 24,000 जो है, 24,000 क्या है इसमें से, 24,000 अगर आप मैं बोलूँ सिंपल शब्दों में ये होल्डिंग का प्रॉफिट नहीं है, तो आपने डिविडेंड को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया, 24,000 रुपये आपने ये हटा दिए, ठीक है राइट, आपने ये कर दिया। फिर आपने क्या किया प्रॉफिट को ऐड बैक कर दिया 40,200, ये बेसिकली 43,200 माइनस 3,000, तो ये 40,200 की नेट एडजस्टमेंट। तो टोटल आपका अदर इक्विटी में आपने कितनी एडजस्टमेंट करी 16,200 की, तो ये एडजस्टमेंट आपकी शो हो रही है। तो देखो 10 लाख का 10 लाख आ रहा है, 6 लाख का 6 लाख आ रहा है, 8,14,400 ओपनिंग आ रहा है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं डिविडेंड माइनस कर रहे हैं 24,000 रुपये का, ठीक है। वो क्या हुआ उसका क्या मतलब है डिविडेंड माइनस करने का, हम बोल रहे हैं 8,14,400 में से 8,14,400 में 24,000 का डिविडेंड जुड़ा हुआ है, जबकि वो इनकम है ही नहीं, वो इनकम है ही नहीं, तो हमने हटा दिया क्योंकि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनकम है ही नहीं। तो हमने क्या किया वो एंट्री डाल दी, क्या एंट्री डाली होल्डिंग इक्विटी अकाउंट डेबिट, होल्डिंग इक्विटी अकाउंट डेबिट NCA अकाउंट डेबिट टू माई इक्विटी, टू माई इक्विटी। तो ये बेसिकली मैंने जर्नल एंट्री डाली थी है ना, और इसका इफेक्ट क्या हुआ मेरा 8,14,400 माइनस 24,000 प्लस मेरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो कि क्या था 43,200 माइनस 3,000 मेरा PPE वाला लॉस, तो 40,200 का मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। ये मेरी बेसिकली एडजस्टमेंट हो गई, ये बेसिकली मेरी SOCI बन गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये बेसिकली मेरी एडजस्टमेंट्स होती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ फेयर वैल्यू आपको बताइए हमने करी थी कितने अमाउंट की करी थी 3,25,000 रुपये की, ये देखो 3,25,000 की, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली वो किया था है ना, बाकी तो NCA का नोट है, NCA का नोट आप सिंपल बना सकते हो, कैसे बनाओगे NCA का नोट आप, बहुत सिंपल है। NCA में आपने क्या किया, NCA कितना आया था आपका 4,22,800 आया था आपका ओपनिंग NCA, वो कैसे आया था आपने टोटल नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन लिया था उसका 40% लिया था, ठीक है राइट, ये आपका आया था। फिर आपने 16,000 इसे डिविडेंड दे दिया तो आपने माइनस कर दिया। फिर आपने क्या किया आपने प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना आपका 28,800 आपने ये ऐड बैक कर दिया, ठीक है 28,800 माइनस 2,000, तो बेसिकली 26,800 आपका प्रॉफिट है आपने ऐड बैक कर दिया, तो ये आपका क्लोजिंग NCA आया 4,33,600। ये बेसिकली हमारा ये भी पॉइंट हो गया। गुडविल आपको पता ही कैसे निकालोगे, नेट एसेट्स, नेट एसेट्स में से आप क्या करोगे इन्वेस्टमेंट्स माइनस करोगे NCA माइनस करोगे, तो हमारा क्या आ जाएगा इन्वेस्टमेंट्स प्लस NCA माइनस नेट एसेट्स, वो आता है गुडविल। और अगर हम रिवर्स करें मतलब नेट एसेट्स माइनस इन्वेस्टमेंट्स माइनस क्या बोलते हैं NCA, तो फिर आता है कैपिटल रिजर्व। मतलब देखो अगर इन्वेस्टमेंट प्लस NCA ज़्यादा है तो आएगा गुडविल, ठीक है ऑब्वियसली बात है, हमने ज़्यादा पैसे दिए टू अक्वायर लेस नेट एसेट, तो मतलब हमने पैसे किसके दिए गुडविल के दिए, ठीक है। तो हमने एंट्री डालेंगे नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स टू नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स टू NCA और गुडविल डेबिट में आ जाएगा, अगर नेट एसेट्स ज़्यादा है तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आपको सिंपल अभी मैंने जो फॉर्मेट बताया उसी फॉर्मेट में करना है, इस फॉर्मेट में आपको प्लांट एंड मशीनरी को वर्कआउट करना है, ठीक है ना, बस ये सब चीज़ें ये आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। तो आपको ये क्या समझ में आया, आपको देखो ये डिविडेंड की एडजस्टमेंट ध्यान से समझनी है, एक जो पोस्ट एक्विजिशन जो प्रॉफिट हुआ उसकी एडजस्टमेंट थोड़ी सी समझनी है। देखो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहाँ पे जुड़ा हुआ है, वो सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जुड़ा हुआ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे उसे डेबिट करेंगे इक्विटी अकाउंट डेबिट, हम उसे अपने में बुक कर देंगे इक्विटी अकाउंट डेबिट टू कंसोलिडेटेड इक्विटी टू NCI, ये मेरी जर्नल एंट्री हो जाएगी। और जो मेरा डिविडेंड बांटा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड उसको हम क्या करेंगे हम अपनी इक्विटी क्रेडिट कर देंगे वापसी सब्सिडरी की इक्विटी को, हर और हम जनरल एंट्री डालेंगे होल्डिंग इक्विटी अकाउंट डेबिट NCA अकाउंट डेबिट टू माय इक्विटी अकाउंट, ये मेरी जनरल एंट्री हो जाएगी, समझ रहे हो आप, ये समझो। देखो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट है, इसका मैं वापस से बताता हूँ। डिविडेंड में क्या होता है डिविडेंड जब सब्सिडरी ने डिविडेंड दिया, सब्सिडरी ने क्या एंट्री डाली इक्विटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। जब होल्डिंग को डिविडेंड मिला, होल्डिंग ने क्या एंट्री डाली बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम, जो कि मेरा कंसोलिडेटेड इक्विटी में चला गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड इक्विटी में वो बैलेंस आ रहा है। अब हमें क्या करना है इस कंसोलिडेटेड इक्विटी को खत्म करना है, क्योंकि एक बंदा अपने आप को पैसे दे के पैसा नहीं कमा सकता, मतलब मैंने 24,000 रुपये अपने आप को ही दिए तो वो मेरी इनकम नहीं होती। तो मैंने क्या किया कंसोलिडेटेड इक्विटी को डेबिट किया, कंसोलिडेटेड इक्विटी को मैंने डेबिट किया, ये जो इक्विटी का डेबिट बैलेंस आ रहा था इसे मैंने क्रेडिट किया, और जो 40,000 माइनस 24,000 का जो डिफरेंस था जो कि 16,000 जो कि 40,000 का 40% है जो कि मैंने NCA को दिया है वो मैं क्या करूंगा एज अ पेमेंट टू NCI ट्रेड करूंगा और मैं उसे कह दूंगा NCI को डेबिट कर दूंगा। तो मेरी एंट्री हो जाएगी NCI अकाउंट डेबिट
होल्डिंग इक्विटी अकाउंट डेबिट टू माई, क्या बोलते हैं, टू माई इक्विटी अकाउंट, ये बेसिकली मेरी जर्नल एंट्री होगी। प्लांट एंड मशीनरी की जो एक्विजिशन पे पोस्ट एक्विजिशन डेप्रिसिएशन लगा वो बड़ी सिंपल सी बात है, 5,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन है, उसकी क्या जर्नल एंट्री डालोगे आप डालोगे प्लांट एंड मशीनरी मेरा कम हो गया 5,000 से, फिर मेरा कंसॉलिडेटेड, कंसॉलिडेटेड मैंने क्या बोला, कंसॉलिडेटेड कंसॉलिडेटेड इक्विटी, कंसॉलिडेटेड इक्विटी अकाउंट डेबिट, जो कि मेरा होल्डिंग का शेयर है 60%, 5,000 का 60%, 3,000 रुपये एन सी आई को मैंने 2,000 से डेबिट मार दिया, तो ये एंट्री हुई कंसॉलिडेटेड इक्विटी अकाउंट डेबिट, एन सी आई अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, ये बेसिकली मेरा सब कुछ हो जाता है। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरा बेसिकली फाइनल मेरा वो बना, ये फाइनल मेरा वो बना क्या बोलते हैं बैलेंस शीट, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट 1, 2, 3, ठीक है, ये चार एडजस्टमेंट डाली अलग अलग और मेरा क्या बन गया, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए। ये आपको समझना, ये माइंड में मेकअप करना है आपको, ऐसी एंट्रियाँ एंट्रियाँ डाल डाल के अगर आप बनाओगे ना, फिर आपका मतलब अगर आप सिंपल समझो आपको क्या करना है, लाइन बाय लाइन बेसिस पे कंसोलिडेशन करना है बस, फिर आपको ये एंट्री डाल देनी है, ये पांच एंट्रियाँ डालनी है और आपका कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट रेडी, आपका कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट रेडी हो जाएगा। बस आपको ये पांच एंट्रियाँ डालनी है, क्या क्या है, पहली पहली एंट्री है एक्विजिशन एडजस्टमेंट की, तो आपको क्या करना है, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इस इक्विटी को खत्म कर देना है, इक्विटी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स टू एन सी आई और गुडविल कैपिटल रिजर्व, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अब जो डिविडेंड की एडजस्टमेंट है आपको होल्डिंग की इक्विटी कम करनी है कितने से, 24,000 रुपये से, और अपनी इक्विटी बढ़ानी है 40,000 रुपये से, और आपने ये बोला जो 16,000 रुपये की जो पेमेंट है दैट इज बेसिकली द पेमेंट टू माई एन सी आई, तो एन सी आई अकाउंट डेबिट होल्डिंग इक्विटी अकाउंट, होल्डिंग इक्विटी अकाउंट डेबिट टू माई इक्विटी अकाउंट, ठीक है, फिर जो आपने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कमाया उसे आपने बाइफरकेट कर दिया टू इन होल्डिंग एंड इन सब्सिडरी इन एन सी आई सॉरी, ठीक है, और ये बेसिकली हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। बस ये पांच एंट्रियाँ डालनी है, आपकी सी एफ एस रेडी है, बस आपको फिर लाइन बाय लाइन बेसिस पे, मतलब देखो सबसे पहले तो आपको इनका टोटल कर लेना है जो आ रहा है, फिर आपको ये पांच एंट्रियों का इफेक्ट दे देना है, ये इफेक्ट देते ही आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट गाइज, तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा फाइल, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा फंडा है। सो ओके, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।